हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। हम यहाँ पे आपको हर एक दिन की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। कल खुद से एक मेरे पास मैसेज आया जिनमें ये बोला गया कि कल वीडियो नहीं आई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडे टू सैटरडे रहेगा हमारा शेड्यूल, संडे ऑफ रहेगा, और जो संडे की जो भी न्यूज़ होंगी वो हम मंडे को एक साथ कवर अप कर देंगे उनसे जो को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली न्यूज़ जो आ रही है वो है फाउंडेशन लेड फॉर ए मेडिकल कॉलेज। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की विजिट नागालैंड में चल रही है। उन्होंने वहाँ पे मोन मेडिकल कॉलेज नाम से वहाँ पे फाउंडेशन रखी है एक मेडिकल कॉलेज की, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोन की लैंड पे बनने जा रहा है। और उन्होंने अपील किया है नागालैंड गवर्नमेंट और पीपल से वो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कि जो ये सेंटर का प्रोग्राम है ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करने के लिए 2025 तक इंडिया से, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अवेयरनेस फैलाएं ये सब। नेक्स्ट वन इज सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन फ्रॉम 1 मार्च। गुजरात गुजरात की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वैक्सीनेशन का नया फेज कोविड-19 का वो 1 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा, और इसमें जो लोग हैं 60 साल से ऊपर के उनको कवरअप किया जाएगा। पहले कोविन 1.0 पोर्टल चलता था, अब कोविन 2.0 यानी कि सेकंड वर्जन, सेकंड फेज जो है वो आ गया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल भी बना दिए हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने इस पे पहले से जाके अब रजिस्टर भी कर चुके हैं, और ये मार्च के पहले वीक से लगना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए 500 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल होंगे गुजरात के अंदर। नेक्स्ट वन इज अतुकल पोंगल फेस्टिवल हेल्ड इन केरला। केरला का ये एक फेमस फेस्टिवल है, ये एनुअल रिचुअल है पोंगल। वैसे तो अतुकल भगवती टेम्पल जो तिरुवनंतपुरम में है वहाँ पे, और उन्होंने इस टेम्पल का एक गिनीज रिकॉर्ड भी है, वो यही है कि सबसे ज़्यादा गैदरिंग वुमेंस की यहाँ पे हुई है, और हर साल 20 लाख से ज़्यादा डिवोटी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर बिगिंस। अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर्स का 39th एडिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, और इसकी थीम रहेगी अमेदार त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, जिसका मतलब है हमारा त्रिपुरा बेस्ट त्रिपुरा। इसमें कल्चरल ट्रूप्स आएंगे, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स सिक्किम से जो है वो परफॉर्म करेंगे, और वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे होंगी जितने दिन भी है मेला चलेगा। नेक्स्ट वन इज बैन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्सटेंडेड। जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि रेगुलेट करता है सिविल अथॉरिटीज, सिविल जो भी एयरपोर्ट्स हैं हमारे उन सबको, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सस्पेंड रखेंगे कमर्शियल पैसेंजर्स की के लिए फैसिलिटी, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बैंड रहेंगी 31 मार्च तक। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स का सस्पेंशन 23rd मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था, जब पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया था ये। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये कार्गो फ्लाइट्स पे अप्लाई नहीं होती, और ना ही ये जो स्पेशली अप्रूव्ड फ्लाइट DGCA के द्वारा जो अप्रूव्ड हैं ना उन पे अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट वन इज साउथ कोरिया बिगिंस मास इम्यूनाइजेशन। साउथ कोरिया ने WHO से एस्ट्राजेनिक वैक्सीन जो है, जो इंडियन डेवलप्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, वो मंगवाई है, और उनका टारगेट है कि 70% अपनी पॉपुलेशन को, जो कि 52 मिलियन है, नवंबर 2021 तक उसको कंप्लीट कर देंगे। 70% पॉपुलेशन का वैक्सीनाइजेशन वो हो जाएगा इन सब का। नेक्स्ट वन इज US कैरीज आउट एयर स्ट्राइक इन सीरिया। जैसा कि आप लोगों को पता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, ट्रंप जा चुके हैं, तो पहला जो मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री एक्शन ऑर्डर हुआ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो यही था कि सीरिया में जो ईरान के बैक्ड मिलिटेंट्स थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, उनको एकदम ख़त्म किया गया। नेक्स्ट वन इज विनायक दामोदर सावरकर डेथ एनिवर्सरी। विनायक दामोदर सावरकर जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो कि जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी कालापानी की जेल में निकाल दी थी,
उनका जन्म 28 मई 1883 को भागुर विलेज के नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था, और उनकी मृत्यु 26 फरवरी को बॉम्बे में हुई। नेशनलिस्ट थे वो और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। हिंदू महासभा जो कि पॉलिटिकल पार्टी और हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वीर सावरकर के नाम से बोला जाता है। वीर वीर जो उनको मिला था वो 12 साल की एज में मिला था, तो उन्होंने एक ब्रेवरी एक्ट परफॉर्म किया था। नेक्स्ट वन इज सी एस सीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल बनाया गया कस्टमर की ग्रीवेंसीज को रीएड्रेस करने के लिए, और ये ऑपरेशनलाइज है अभी 15 स्टेट एंड यूटीज़ में। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए, रूरल कंज्यूमर्स के लिए जो गाँव में रहते हैं, तो ये डिसीजन लिया गया कि जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो हर एक गांव में खोले गए हैं, एक एक सीएससी, उनको मर्ज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ई दाखिल पोर्टल के साथ, ताकि जो रूरल भी कंज्यूमर्स हैं वो अपनी ग्रीवेंसेज जो है यहाँ पे आके बता सकें। नेक्स्ट वन इज नो कोविड-19 वैक्सीनेशन सेशंस ऑन फेब 27 टू 28। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कोविन 1.0 पहले था, अभी इसको शिफ्ट, नया सेकंड फेज जो अभी आ रहा है वो कोविन 2.0 है। इसी के चलते जो इसमें जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था, तो 27 और 28 फरवरी को कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चला है, इसमें किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया है। और कोविड 2.0 जो सेकंड फेज़ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एम्स में सबसे पहले जाके वो टीका लगवाया अपने लिए, और इसमें यही रखा गया है कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये टीका लगाया जाएगा, और 45 जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 45 वो एज, उनको ये टीके दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज डीजीसीए टू गिव कंसेशन ऑन टिकट प्राइसेस। डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जैसा कि मैंने बताया रेगुलेटिंग अथॉरिटी है एयरपोर्ट्स के लिए, तो इन्होंने एक डिसीजन लिया है, इन्होंने एक फ्री एंड दिया है जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेटर्स हैं, कि आप कंसेशन दे सकते हो टिकट्स प्राइसेस में जो ट्रेवल्स बिना बैगेज या सिर्फ कैबिन बैगेज के साथ चल रहे। देखिए, तीन कैटेगरी होती हैं, जिनके पास कोई बैगेज नहीं होता, सेकंड जिनके पास कैबिन बैगेज होता है, और थर्ड जिनके पास चेक इन बैगेज होता है। चेक इन बैगेज आपको स्टार्टिंग में जमा कराना पड़ता है, कैबिन बैगेज को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, अंदर जाके कैबिन में रख सकते हैं। तो पहले क्या था कि आपके पास बैग हो या ना हो, लेकिन आपको पैसे पूरे देने पड़ते थे टिकट के, लेकिन अभी डीजीसीए ने इनको अलाउ कर दिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स को, कि वो डिस्काउंट दे सकें कि अगर आपके पास बैगेज नहीं है या कैबिन बैगेज है, तो अकॉर्डिंग टूली आपको जो भी है छूट, उस पर डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी चेयर से मीटिंग। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो राजेश भूषण है, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है सभी यूटीज और स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ, और ये वैक्सीनेशन के लिए अप्रोप्रिएट एज ग्रुप्स जो है वो बनाने जा रहे हैं, कि किन किन एज ग्रुप में जो है ये शेड्यूल चलना चाहिए, कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट हेल्ड। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एड्रेस किया है इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट, नई दिल्ली में ये हुआ था 26 फेब को। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक छोटे से टाइम पीरियड में इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट सिविल एविएशन सेक्टर ग्लोबली, जिनके पास काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारा डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं यहाँ पे चलती हैं। तो जो सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन के प्रदीप सिंह खरोला, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि एयरक्राफ्ट लीजिंग इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट ऑफ द एविएशन वैल्यू चेन, कि एयरक्राफ्ट जो हैं लीज पे लिए जाएंगे, खरीदे नहीं जाएंगे, कि 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स ऐसे करके। नेक्स्ट वन MHA एक्सटेंड कोविड-19 गाइडलाइंस टिल 31 मार्च। जैसा कि आप लोगों को पता है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी तक कोविड के लिए हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा था जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने अभी भी 31 मार्च तक के लिए, एक महीने के लिए फिर से अपनी गाइडलाइंस दी हैं। सर्वेलेंस, कंटेनमेंट और प्रिकॉशन, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कंटेनमेंट जोन कौन कौन से होंगे, ये सब। और जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको एडवाइज़ किया गया कि वो अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है उसमें तेज़ी लाएँ थोड़ी सी, ताकि जो है ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक किया जा सके, ये इधर से उधर फैल रहा है, इधर से उधर फैल रहा है, उससे तेज़ स्पीड से अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा तो वो ब्रेक हो जाएगी उसकी चेन। नेक्स्ट वन इज सरस आजीविका मेला इनोग्रेटेड। एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इनोग्रेट किया है सरस आजीविका मेला 2021
एट नोएडा हाट में ये उन्होंने इनाग्रेट किया है 26 फरवरी को, और ये 26 फरवरी से 14 मार्च तक ये चलेगा। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये आता है, और इसमें 300 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और क्राफ्ट्समैन जो कि 27 से ज़्यादा स्टेट से होंगे वो इस मेले में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द इंडिया टॉय फेयर 2021 इनोग्रेटेड। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पहला इंडिया का टॉय फेयर जो है वो इनोग्रेट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने इसको इनोग्रेट किया 27 फरवरी को। 4 दिन का ये इवेंट होगा जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि बायो बायर्स, सेलर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड डिज़ाइनर्स एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होंगे। 100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स होंगे, 30 से ज़्यादा स्टेट्स होंगे और यूटीज सभी इसमें कवर होंगी। वो अपने अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे सब कुछ, और ये मेला जो है ये 2 मार्च तक चलेगा। नेक्स्ट वन इज चंद्रशेखर आज़ाद डेथ एनिवर्सरी। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद 1931 को वो एक गार्डन में बैठे हुए थे जहाँ पे अंग्रेज़ों को ये न्यूज़ गई कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ एक बगीचे में छुपे हुए हैं, एक गार्डन में छुपे हुए हैं। तो वहाँ पे अंग्रेज़ फौज उनको पकड़ने के लिए पहुँच गई, लेकिन जब तक वो उनको पकड़ती उन्होंने अपने आप को सिर में जो है अपने हाथों से ही गोली मार ली ताकि वो उनके हाथ में ना आ पाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था, और इनका सबसे बड़ा नाम आता है काकोरी जो ट्रेन रॉबरी हुई थी 1925 में। और 14 साल की एज से ही इन्होंने महात्मा गांधी के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 से जो है स्टार्ट हुआ था जो उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन इज गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 27 फरवरी। सिखों के गुरुओं में बहुत बड़ा नाम आता है गुरु रविदास जी का, और एक फैक्ट ये भी है कि इनकी 40 से ज़्यादा पोइम जो इन सिखों का जो सेक्रेट जो एक धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसमें 40 से ज़्यादा पोइम गुरु रविदास जी की लिखी हुई हैं। और भक्ति मूवमेंट जो चला था वो उसमें गुरु रविदास जी का काफ़ी अहम भूमिका रही थी, जिसमें मेन फोकस था इरेडिकेटिंग द कास्ट सिस्टम, जो जातिवाद है उसको एकदम ख़त्म करना था। नेक्स्ट वन इज चाइना सेलिब्रेट्स लैंटन फेस्टिवल। चाइना सेलिब्रेट कर रहा है ट्रेडिशनल लैंटन फेस्टिवल जो कि 26 फरवरी को मनाया गया वहाँ पे। 15 दिन के जो चाइनीज लूनर मंथ होता है, जिसको चाइनीज न्यू ईयर भी बोलते हैं, उसके 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है। और चाइनीज न्यू ईयर को जो है ईयर ऑफ द ओक्स बोला गया इस बार, और ये ट्रेडिशनल होता है, एक मार्क होता है कि जो चाइनीज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है अब वो 15 दिन के बाद वो ख़त्म होने को आया है। नेक्स्ट वन इज गुजरात गवर्नमेंट लॉन्चेज बजट मोबाइल ऐप। गुजरात के जो ड्यूटी सीएम है नितिन पटेल जी, उन्होंने लॉन्च किया है गुजरात बजट मोबाइल एप्लीकेशन गांधीनगर में 26 फरवरी 2021 को। इस एप्लीकेशन के 5 फीचर्स होंगे, 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें 27 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स कवर होंगे, बजट हाइलाइट्स होंगी, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होंगी, इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ बजट एंड इट्स न्यूज़ कवरेज, उसमें सब कुछ बजट से रिलेटेड जो भी होगा सब कुछ उसकी कवरेज मिलेगी। बजट पब्लिकेशन जो है वो सब ऑनलाइन मिलेगा, और गवर्नमेंट इसका सिर्फ 20% ही मटेरियल प्रिंट कर रही है क्योंकि बाकी उन्होंने सब ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वन इज केरला टू प्रोवाइड फ्री RT-PCR टेस्ट। केरला गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अभी ये बोला जा रहा है कि कोविड की सेकेंड वेव आ सकती है, प्रोबेबली आने के पता नहीं लेकिन आ सकती है ऐसा बोला गया, और 31% इंक्रीज हुआ है केरला स्टेट में फरवरी के लास्ट वीक में COVID-19 के केसेस में। तो केरला गवर्नमेंट ने RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है, जो भी उनकी स्टेट में वापस आ रहे हैं उनके लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, गवर्नमेंट इनका सब खर्च उठाएगी। नेक्स्ट वन इज हिमा दास इंडक्टेड एज DSP इन आसाम। लास्ट वीडियो में भी हम बता चुके हैं हिमा दास को DSP बनाया जा रहा है आसाम में, तो ये न्यूज़ उसी के रिगार्डिंग है। हिमा दास वाज इंडक्टेड एज DSP ऑफ आसाम पुलिस इन प्रेजेंस ऑफ CM
सर्बानंद सोनोवाल ऑन 26 फरवरी 2021। हिमा दास के बारे में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। एक ये वुमेन स्प्रिंटर हैं जिनका सिल्वर मेडल इनको मिला था 400 मीटर रेस में 18 एशियन गेम्स में, और उसके बाद गोल्ड विनिंग टीम का ये टीम वुमेन टीम की ये पार्टिसिपेंट रही थी 400 मीटर रिले एंड मिक्स्ड 400 मीटर रिले, जो कि इवेंट जकार्ता में हुआ था, और इनको धींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज कोमोडोर गोवर्धन राजू टुक ओवर एज द नेवल ऑफिसर इन चार्ज फ्रॉम कोमोडोर संजीव विसार एट सेरेमोनियल परेड हेल्ड इन नेवल बेस एट विशाखापट्टनम ऑन 26। तो अब कोमोडोर संजीव विसार की जगह अब जगह ले ली है कोमोडोर गोवर्धन राजू ने, और जो कि कमीशन हुए थे नेवी में 1 जुलाई 1989 को, और वो नेविगेशन और डायरेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, और इनको नौसेना मेडल भी मिल चुका है डिवोशन टू ड्यूटी के लिए 2014 में। नेक्स्ट वन इज एल नोरोना असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरस, उन्होंने अपॉइंट किया है लिगिया नोरोना जो कि इंडिया की हैं एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में उनको अपने यहाँ पे रखा है, और वो हेड रहेंगी न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो न्यूयॉर्क ऑफिस है उसकी वो हेड रहेंगी। इससे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इकोनॉमिक डिवीजन में नैरोबी में वो रह चुके हैं 2014 से अभी तक, और उन्होंने सक्सीड किया है सत्या त्रिपाठी जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट थे उनको। नेक्स्ट वन इज जे एंड के यू टी इश्यूज स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। जम्मू और कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हेल्थ चेकअप स्टार्ट किया स्टूडेंट्स का, और उनको इशू कर रहे हैं वो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए मिड डे मील स्कीम के अंडर यूनियन टेरेटरी में। तो जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड्स हैं वो 5 से 12 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए दिए जाएंगे। एक फॉर्म भरना होगा उसके लिए, और जो हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सब उसमें प्रोवाइड करनी होगी, या कोई भी कमी है, कोई भी शारीरिक कमी है किसी भी बच्चे में तो उसमें बताना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट वन इज नागालैंड फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस। तो एक ये अच्छी खबर है, नागालैंड का पहला एयर कार्गो सर्विस जो है स्टार्ट हो रहा है दीमापुर एयरपोर्ट से, और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसकी डायरेक्टर जनरल ने इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस सब दे दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है स्टेट की उसको बूस्ट मिलेगा, और एक टाइमली और एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और जो नागालैंड का प्रोडक्ट है जो वहाँ का इनलैंड प्रोडक्ट है वो अब कंट्री के इंडिया के हर एक पार्ट में वो जो है फैलेगा। नेक्स्ट वन इज क्रिकेटर यूसुफ पठान अनाउंसेस रिटायरमेंट। काफ़ी जाना माना नाम है, सभी जानते होंगे यूसुफ पठान जो इंडियन ऑलराउंडर रहे हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। उन्होंने इंडिया के लिए 57 ODIs खेले, 22 T20s खेले, वो 2007 से 2012 तक इनका कैरियर रहा है, टेस्ट मैच ये कभी खेल नहीं पाए। और ये जो विनिंग टीम थी 2007 T20 वर्ल्ड कप की उसके पार्टिसिपेंट रहे हैं, और 2011 ODI वर्ल्ड कप की जो विनिंग टीम थी उसके भी ये पार्टिसिपेंट रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वॉलमार्ट एक्सपेंड वृद्धि प्रोग्राम टू यूपी। वॉलमार्ट अब जो है यूपी पहुंच गया है, और वहां पे ई इंस्टीट्यूट बना रहा है आगरा में, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं यूपी में उनको स्किल्स और कॉम्पिटिटिवनेस वो प्रोवाइड की जा सके। इस नए इंस्टीट्यूट के साथ वॉलमार्ट अपनी जो प्रोग्राम चला रहा है वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको एम्पावर करेगा, और 50,000 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया वो इसमें लेके आया हुआ है इन सबको। वॉलमार्ट ने अपना पहला वृद्धि प्रोग्राम वृद्धि इंस्टीट्यूट हरियाणा में खोला था अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट वन इज ADB अपॉइंट्स ब्रूनो कारास्को एज डायरेक्टर जनरल। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अपॉइंट किया है ब्रूनो कारास्को एज डायरेक्टर जनरल एंड कौन करंटली चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। काराकासो जो 23 साल से ज़्यादा से ADB के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, और वो रिसेंट चीफ भी रहे हैं जो ADB गवर्नेंस थीमेटिक ग्रुप था उसके,
और उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के साथ भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज ओडिशा सीएम लॉन्चेज स्लू ऑफ इनिशिएटिव वन। ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया स्लू ऑफ इनिशिएटिव वन। उनका जो एक 5T मंत्र है उसको उन्होंने एक्सटेंड किया है, उन्हीं इनिशिएटिव को उन्होंने आगे बढ़ाया है और मिशन शक्ति प्रोग्राम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसमें आगे जो स्टेप्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं मो चटुआ ऐप, जिसमें फॉर स्ट्रीमिंग सप्लाई चेन फॉर, ताकि एक चेन बनाई जा सके घर घर तक राशन पहुंचाने के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है इसमें ई कलिका, एक एप्लीकेशन बनाई जा रही है जिसमें जो बच्चे हैं जो 3 साल से नीचे हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है मो शिशु पोर्टल, एक कॉम्प्रिहेंसिव वेब बेस्ड सिस्टम है ये, इस जो है दोनों बच्चों के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज सेम इनिशिएटिव टू, इनिशिएटिव टू इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए किया गया है कि पेपरलेस ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरेरियम टू 1,34,758 आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं हेल्पर, उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट रेजेस 100 मिलियन। जैसे COVID-19 अभी चल रहा है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट जो है जिसको लेड कर रहा है टाइगर ग्लोबल, उन्होंने 100 मिलियन ऑफ द डॉलर इसकी इससे ज़्यादा उन्होंने रेज किया है COVID-19 के अंदर। और ये कंपनी 2016 में बनी थी, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और एक ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलते हैं अपने आप को रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। इनका जो हाईली फोकस होता है वो कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स जो होते हैं अपने ब्रांड के अंडर ये उनको बेचते हैं, और इनका एम है कि टू सोल्व एग्जिस्टिंग इश्यूज, जो भी उसमें इश्यूज आते हैं उनको ये उनका उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियन कंपनी टू सेटअप ए प्लांट इन बांग्लादेश। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इंडिया की कंपनी है इलेक्ट्रिक का कंपनी वो बाहर विदेश में जाके कोई प्लांट लगा रही है। ओमेगा सही कि अपना पहला इलेक्ट्रिक प्लांट जो है बांग्लादेश में लगाने जा रही है और ये ढाका के पास होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ से ऊपर की, और ये पहली इंडियन कंपनी है जो इंटरनेशनल मार्केट में गई है। इसका प्रोजेक्ट के अंडर 2 और 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बाइसाइकल्स ये बनाए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज माइकल सोमरे पासिस अवे। पप्पू न्यू गिना के फर्स्ट पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वहाँ के आज़ादी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उनको फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। 4 बार से ज़्यादा वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पास हुए हो गए हैं फेब्रवरी में। काफ़ी बड़ा नाम था पप्पू न्यू गिना की हिस्ट्री में। फेसबुक साइंस डील्स विद 3 ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर। लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला कि आपको किसी मीडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा, फेसबुक और ट्विटर को, अगर आपको न्यूज़ प्रोवाइड करनी है। आप फ्री हैंडली आप उसको न्यूज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फेसबुक ने एग्रीमेंट किया है 3 ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर्स के साथ, जिनके नाम है प्राइवेट मीडिया, स्कर्ज मीडिया और सोल्स्टिस मीडिया, जिनका एम होगा, जिनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो यही हुआ कि प्रीमियम जर्नलिज्म को दिखाया जाए और इंक्लूडिंग सम प्रीली पेवल्ड कंटेंट टू द फेसबुक। नेक्स्ट वन इज आई कॉल्ड सिंपोसिजम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स सिंपोसिजम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन वॉज इनोग्रेटेड इन ऑन 24 फरवरी। ये कोलेब्रेशन हुआ था सेंट्रल वाटर कमीशन का और डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का, जिसके अंडर जो है जो डैम्स और रिवर बेसिन्स के लिए उनकी डेवलपमेंट की रख रखाव में ये 300 से ज़्यादा डेलीगेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनकी डेवलपमेंट के बारे में कैसे क्या किया जाए ये सब के लिए। नेक्स्ट वन इज ओवर 1,000 एक्सट्रीमिस्ट ले डाउन आर्म्स इन आसाम। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स रही हैं वो स्टेबल नहीं है, शांति नहीं थी उनमें, क्योंकि वहाँ पे राइबल्स ग्रुप्स हैं बहुत सारे। हर एक स्टेट में कई कई राइबल्स ग्रुप्स हैं, जैसे आसाम में 5 हैं राइबल ग्रुप्स। तो आसाम का ये एक राइबल ग्रुप है कार्बी एंगलोंग। इनके 1,000 से ज़्यादा मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया है चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के सामने,
और ये वहाँ की शांति के लिए काफ़ी एक बड़ा स्टेप है उनकी तरफ से, मिलिटेंट की तरफ से। और उनका यही एम है कि जो आसाम में सभी कम्युनिटीज़ पीसफुली एक साथ मिल के रहें। नेक्स्ट वन इज़ स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। जब से COVID-19 स्ट्रक हुआ है तब से जो मिड डे मील बच्चों को मिलता था, क्योंकि 199 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपने स्कूल बंद कर दिए थे, और 370 मिलियन चिल्ड्रन वो उनको न्यूट्रिशियस मील जो स्कूलों में मिलता था वो नहीं मिल पाया जब। लेकिन ये अलग ही रिपोर्ट आ रही है, इसमें ये बोला गया कि हर 2 में से 1 बच्चे को, और ओवरऑल 388 मिलियन चिल्ड्रंस को वर्ल्ड वाइड, उनको स्कूल मिला है जबकि वो स्कूल पहुँचे भी नहीं है। और ये अपने आप में ही एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि 388 मिलियन चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड उनको स्कूलों ने मिड डे मील प्रोवाइड किया है। और ये प्रोग्राम जो है, ये रिपोर्ट, स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू लॉन्च ए स्कीम ऑन मार्च 8। जो गांव की महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट अनाउंस किया, एक स्कीम, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम, जिसको लॉन्च किया जाएगा 8 मार्च 2021 को। इस स्कीम के अंडर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कि रूरल वुमेन का काम जो है, जो वो करती हैं, जो चीज़ें वो बनाती हैं, वो दिखाया जाएगा और इनक्रेज किया जाएगा, ताकि बड़े बड़े पार्टिसिपेंट आके उसमें हिस्सा लें और उन पे इन्वेस्टमेंट लगाएं, उनको इनक्रेज करें और आगे करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ IAF गिफ्ट 1971 वॉर हेलीकॉप्टर टू बांग्लादेश, कमोमरेटिंग 50 ईयर्स ऑफ डिफीटिंग पाकिस्तान इन 1971 वॉर, जिसको बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश को लिब्रेशन मिली थी पाकिस्तान से। बांग्लादेश का पहला नाम ईस्ट पाकिस्तान है। हमारे इंडिया के एयरफोर्स चीफ RK भदौरिया वो 4 दिन की ट्रिप पे हैं बांग्लादेश में, तो 50 साल होने की खुशी में बांग्लादेश ने हमें हेलीकॉप्टर बांग्लादेश ने हमें F-86 सैबर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। और इससे पहले हमने उनको 1971 के वॉर हेलीकॉप्टर वो गिफ्ट किए थे। नेक्स्ट वन इज आइवरी कोस्ट सेकेंड कंट्री टू गेट कोवैक्स वैक्सीन। जैसा कि हमारी पहली वीडियोस में जो न्यूज़ थी उसमें ये आप लोगों को पता ही होगा जो हमसे जुड़े हुए हैं डेली, घाना अफ्रीका का पहला ऐसा कंट्री था और वर्ल्ड का भी पहला ऐसा कंट्री था जो WHO की स्कीम चल रही है कोवैक्स स्कीम, जिसके अंडर उसको फ्री वैक्सीन मिली थी, इंडियन मेड एस्ट्राजेनिक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक कोविड वैक्सीन। अब आइवरी कोस्ट के पास 5.04 लाख डोजेज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक वैक्सीन की पहुंची हैं, जिसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये सेकेंड कंट्री बना है आफ्टर घाना, जिसको ये WHO का जो स्कीम है कोवैक्स, उसके अंडर फ्री वैक्सीन मिली है। नेक्स्ट न्यूज इज इसरो टू लॉन्च अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। इंडिया और ब्राज़ील के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और उसी रिलेशन के रिगार्डिंग इसरो अभी लॉन्च कर रहा है, लॉन्च कर चुका है वैसे तो, ब्राज़ीलियन सक्सेसफुल लॉन्च रहा है ब्राज़ीलियन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 का, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अमेजोनिया 1 के साथ 18 अलग को पैसेंजर सैटेलाइट भी थे, जिसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। और ये पहला अमेजोनिया 1 पहला ऐसा डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो एक इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई थी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है और अंडर स्पेस डिपार्टमेंट के जो है इस कंपनी को खोला गया था, और ये इसका पहला मिशन रहा है कमर्शियल मिशन। नेक्स्ट वन इज नेशनल साइंस डे 2021। आप लोगों को पता होगा जो फिजिसिस्ट हैं सी वी रमन, उनकी उन्होंने उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, तो उन्हीं के नाम पे हम नेशनल साइंस डे, उन्हीं की बर्थडे पे जो है इसको मनाते हैं।
और इसका इसका थीम रहा था नेशनल साइंस डे 2021 का, फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ तरुण बजाज गेट्स एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तरुण बजाज जो हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। इससे पहले ये चार्ज रेवेन्यू सेक्रेटरी डॉक्टर अजय भूषण पांडे के पास था और उनको अपॉइंट किया गया है, और जिनको अपॉइंट पहले किया था इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी 1 मई 2020 को, और उससे पहले वो एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी रह चुके हैं। नेक्स्ट वन इज श्रेंजा मेमोरियल दीपक कुमार विन सिल्वर। बॉक्सर दीपक कुमार जो कि 52 कैटेगरी के हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये 72nd स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट सोफिया बुल्गेरिया में हो रहा है, और बुल्गेरिया के ही बॉक्सर ने जो है उनको हराया है। नेक्स्ट वन इज पीयूष गोयल फ्लैग्स ऑफ ए स्पेशल ट्रेन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैं पीयूष गोयल जी। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है तानकपुर दिल्ली जंक्शन के बीच एक स्पेशल ट्रेन को, और इस ट्रेन में टोटल 12 LBH कोचेज होंगे, जिसमें कि 2 AC चेयर कार, 8 चेयर कार कोचेज और 2 जनरेटर कोचेज होंगे। जो श्रद्धालु हैं जो पूर्णागिरी मंदिर जाना चाहते हैं उनको इस कनेक्टिविटी का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। FICCI हायर एजुकेशन समिट हेल्ड। पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने एड्रेस किया है FICCI हायर एजुकेशन समिट को, और इसमें उन्होंने बताया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उससे हर एक देश में हर एक बच्चे को हर इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, सरकारी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो हर किसी के लिए शिक्षा एक जैसी रहेगी। नेक्स्ट वन इज DBT सेलिब्रेट्स इट्स 35th फाउंडेशन डे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो अपना 35th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है 27 फरवरी को, और इसमें काफ़ी सारे जो हैं अवार्ड्स भी दिए गए हैं वेरियस कैटेगरीज में। BRIT ब्राइट जो बोला जाता है उसके अंडर ब्राइट अवार्ड का नाम है, जिसको बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज 97th एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं राम निशंक पोखरियाल निशंक, उन्होंने एड्रेस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 97th एनुअल कॉन्वोकेशन डे को, और ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है यूनिवर्सिटी की कि 1,78,719 डिजिटल डिग्रियां जो है वो दी गई हैं यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। इससे पहले यूनिवर्सिटी ने विद्या विस्तार स्कीम भी लॉन्च की थी, जिसका काम ये था कि जो रूरल रिमोट इंस्टीट्यूशन है उनको सपोर्ट किया जाए, उनके यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट वन इज 16.37% इंक्रीज इन पैडी प्रोक्योरमेंट। जो गवर्नमेंट अभी परचेज कर रही है पैडी खरीफ की, मार्केट अभी सीजन चल रहा है, तो उसमें 16.37% का इंक्रीज हुआ है और टोटल परचेज हुई है 663.68 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ पैडी क्रॉप्स 26 फरवरी तक का डाटा है, और इसमें पंजाब का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है 202.82 लाख मीट्रिक टन्स, जो कि ओवरऑल 30.56% है टोटल प्रोक्योरमेंट का। नेक्स्ट वन इज IAF टू पार्टिसिपेट इन सेलिब्रेशन ऑफ SLAF। श्रीलंकन एयरफोर्स की 17th एनिवर्सरी है, उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एरोबेटिक शो डिस्प्ले की जाएंगी, जिसमें टीम्स आ रही हैं फिक्स्ड विंग सूर्यकरण, रोटरी विंग्स सरंग, और इसके साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि कोलंबो में पहुंच चुके हैं 27 फरवरी को। और इससे पहले जो एयरफोर्स की विजिट हुई थी वो सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम की हुई थी, जो कि 20 साल पहले 2001 में हुई थी। नेक्स्ट वन इज नेशनल बम्बू मिशन ऑर्गेनाइजेज ए कॉन्फ्रेंस।
नेशनल बम्बू मिशन एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, नेशनल कंसल्टेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया, 25 और 26 को ये रहा है। नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने एक दूसरे के साथ आके इस इवेंट को कंडक्ट कराया है और बम्बू इकोसिस्टम को जो है इसमें प्रमोट करना था, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना था, तो ये सब इसमें एजेंडा रखा गया था डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी टू पीपल विद डाउन सिंड्रोम। इंडिया का जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है अभी 2.0, उसका पोर्टल आया है, उसमें एम्स में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया है, तो एक रिसर्च हुई, ग्लोबल रिसर्च डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स को लेके, यूरोप, यूएस, लैटिन अमेरिका, इंडिया, जिसको पब्लिश किया लैंसेट्स ई क्लिनिकल मेडिसिन ने, और इसी के चलते इंडिया ने अभी प्रायोरिटी दी है कि जो डाउन सिंड्रोम होगा COVID-19 की वैक्सीन उनके पास सबसे पहले पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जो एडल्ट हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है वो उनके मरने के 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं आम पब्लिक के मुकाबले। नेक्स्ट वन इज पीएम मोदी टू रिसीव एन अवार्ड इन मार्च 2021। नरेंद्र मोदी को जो है सेराविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड मिलेगा, जो कि सेराविक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 1st week of March 2021 में, और उनको अवार्ड ये इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया ऑफ हिज कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इन द एनर्जी एंड द एनवायरमेंट, और ये कीनोट भी एड्रेस देंगे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, और जो कि वर्चुअली हेल्ड होगी 1 से 5 मार्च तक। नेक्स्ट वन इज O2 पावर्स टू एक्वायर स्टेक इन SPV। O2 पावर्स जो एक एनर्जी ओरिएंटेड कंपनी है वो 49% स्टेक एक्वायर कर रही है हीरो फ्यूचर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड में, और उसके स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि क्लीन सोलर पावर वैंसिया में है, एक 250 मेगावाट का ये सोलर कैपेसिटी प्लांट है राजस्थान में। नेक्स्ट वन इज श्याम मेटालिक्स फाइल्ड DRHP फॉर 1107 करोड़ IPO। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड है, उन्होंने सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने एक ड्राफ्ट रखा है ताकि वो 1107 करोड़ रुपए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, कि पब्लिक आके वहाँ पे उनके स्टॉक खरीदे, ये उनमें पार्टिसिपेट करे, पैसा लगाए, तो 1107 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के सेबी को भेजा है ताकि उनके पास पब्लिक ऑफरिंग आ सके। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम सेटअप फॉर कुंभ। आप लोगों को पता ही होगा कुंभ मेला इस बार उत्तराखंड में होना जा रहा है, उत्तराखंड के हरिद्वार में ही रहेगा 1 से 30 अप्रैल तक। इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिमिट करके इसको 30 दिन के लिए रखा है। इसके लिए आसपास के रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरे के साथ साथ उनकी स्ट्रीमिंग को भी ऑनलाइन कंट्रोल रूम में जो है वो जोड़ा गया है, और टेलीफोन लाइंस भी वहाँ पे बिछाई गई हैं। नेक्स्ट वन इज साहित्य अकादमी फेलोशिप फॉर वेलचेरू राव। एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, राइटर, ट्रांसलेटर और क्रिटिक हैं प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव, उनको इलेक्ट किया गया है ऑनरी फेलोशिप के लिए साहित्य अकादमी में, और उनका इलेक्शन हुआ है इस चीज़ के बेस पे कि उनका कंट्रीब्यूशन जो तेलुगु लिटरेचर में रहा है, जिनमें इनकी 2 पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा फेमस रही हैं, पहली है गर्ल्स फॉर सेल, कन्या शुक्लम शुल्कम, और सेकंड है ए प्ले फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट वन इज GDP ग्रोथ फॉर Q3 शोज पॉजिटिव ग्रोथ। आप लोगों को पता होगा कि Q1 में -23.8% हमारी GDP रही थी, उसके बाद सेकंड फेज जो आया Q2 उसमें -10.5% रही थी, और अब सबसे अच्छी न्यूज़ यही है कि Q3 में जो हमारी ग्रोथ रहेगी वो +0.4 रहेगी। वैसे तो ये मिनिमल है लेकिन है पॉजिटिव, नेगेटिव से ऊपर उठ के अब जो है ग्रोथ पॉजिटिव में चली गई है हमारी GDP की। नेक्स्ट वन इज ओम बिरला इनोग्रेट्स एन आउटरीच प्रोग्राम। मेघालय के ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो कि मेघालय में पहुंचे हुए हैं,
ए फेमिलियराइजेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो कि चल रहा है, जिसको इनोग्रेट किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, शिलोंग में चल रहा है 26 फरवरी को, जिसका टाइटल है स्ट्रेंथनिंग डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी। इसका मेन एम यही है कि लोकल बॉडीज़ के फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सके वहाँ पे, और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्राइड के द्वारा। प्राइड जो स्टैंड करता है पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रपोज्ड इन कोपल। कर्नाटका स्टेट ने सबसे पहले जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसको कोपल डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज किया है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के BS येदुरप्पा, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका, 9 जन को इसको रख दिया था। इसमें मेन फोकस रहेगा जो ट्रेडिशनल चन्ना पटना वुडन टॉयज हैं और कोपल किन्हल टॉयज हैं और जो डॉल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा इस क्लस्टर के द्वारा। नेक्स्ट वन इज इंडियन मैन स्की टीम विंस ब्रॉन्ज। इंडियन ट्रायो एक टीम है जिसमें 3 मेंबर हैं, मेराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोत खंगरुआ, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन टूर्नामेंट शॉटगन वर्ल्ड कप इन जो कि कायरो में हो रहा है, और उन्होंने डिफीट किया है कजाकिस्तान की टीम को। नेक्स्ट वन इज UN रिकमेंड्स बांग्लादेश ग्रेजुएशन फ्रॉम LDC। यूनाइटेड नेशन की कमिटी है फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए, उन्होंने रिकमेंड किया है जो ग्रेजुएशन ऑफ बांग्लादेश है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ लीस्ट डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्री, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी है उसमें बांग्लादेश की ग्रेजुएशन को जो है सबसे हाईली रिकमेंड किया गया है कि वहाँ की जो ग्रेजुएशन है उसका काफ़ी अच्छा एक सतर बना के उन्होंने रखा हुआ है। इसमें जो है उन्होंने क्राइटेरिया रखा था पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन एसेट्स एंड इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, और सेकंड कंजिक्यूटिव टाइम जो है 2018 से बांग्लादेश को ही यूनाइटेड नेशन की कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। नेक्स्ट वन इज 19th होम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हेल्ड। इंडिया और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया था कि जो भी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग लगनी बाकी है उसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, और इसी के रिगार्डिंग 19वीं मीटिंग हो रही है होम सेक्रेटरी इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो कि फरवरी में हो रही थी, और इंडियन डेलीगेशन को लेड किया है होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने। लास्ट न्यूज इज प्रोडक्ट्स फॉर ODOFP फाइनलाइज्ड। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, उन्होंने फाइनलाइज किया है प्रोडक्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट, कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट वो हाईलाइटर रहेगा ताकि वो स्पेशलिटी बन जाए, उस डिस्ट्रिक्ट से फिर वही प्रोडक्ट निकल के आए और एक वो आइडेंटिटी बना दे कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, और प्रोडक्ट्स को जो आइडेंटिफाई किया गया वो एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल पोल्ट्री, मिल्क, फिशरीज, एक्वाकल्चर और मरीन सेक्टर से 728 डिस्ट्रिक्ट जो है वो देश की ली गई है, और इसमें इंक्लूड और भी है पैडी, वीट, पल्सिस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, हनी एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो गवर्नमेंट की अच्छी एक स्कीम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट, ताकि एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाईलाइट हो सके, उसको उस प्रोडक्ट के नाम से ही जाना जाए। तो थैंक यू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छे रिस्पॉन्स हमें आप लोगों से मिल रहा है, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। नमस्कार।